प्रॉब्लम होने के बाद मैं कोशिश की हूँ मेरा लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए। जब मैं लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिया उसके बाद मेरा धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल भी कम होने लगा, उसके बाद ग्रोथ होने लगा। तो मैं ऐसा चेंजेस देखी हूँ, इसीलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेयर फॉल सबके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि हेयर फॉल जो होता है सबका होता है, किसी का सबसे ज़्यादा होता है, किसी का नॉर्मल होता है, नहीं थोड़ा सा कम होता है, बट होता है। बट हेयर फॉल एक कॉमन कारण है, बट जिसका प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए कॉमन है, बट जिसका प्रॉब्लम है इसके लिए कॉमन नहीं है, बहुत ही सीरियस मैटर है। पर इस मैटर को सॉल्यूशन देने के लिए एक बात लेके आई हूँ, आपका शरीर में कुछ चेंजेस हुआ है, न्यूट्रल लॉस हुआ है, नहीं तो आपका स्ट्रेस में ज़्यादा है, आप स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं, पानी पीते नहीं है, बट आपका न्यूट्रल डेफिशिएंसी हुआ है, तो इस कारण के लिए भी हो सकता है हेयर लॉस हो रहा है। तो हेयर को ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ग्रोथ करने के लिए आपको फास्ट स्टेप होना चाहिए, आपका डाइट प्रॉपरली ठीक हो रहा है कि नहीं, स्लीप आप कितना ठीक से फुलफिल करती है कि नहीं आप देख लीजिए, टेंशन कितना करती है, टेंशन को टेंशन लेते हैं ना डिप्रेशन में कन्वर्ट करती है, ये भी आपको समझना जरूरी होता है। इसके अलावा पानी आप कितना कितना पीते हैं दिन भर, ये सब आपको समझना चाहिए। हेयर के लिए जो न्यूट्रन चाहिए, जो सबसे जरूरी होता है, प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, उसके साथ फुल्ली बी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी एंड जिंक और भी विटामिन है, बट ये सब एसेंशियल होता है हेयर के लिए। आपको समझना जरूरी होता है आपका डाइट में कि इस टाइप का न्यूट्रंट है, तो इस टाइप का न्यूट्रंट्स के साथ आप फुलफिल कर सकते हैं तो आपका ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपको डेली रूटीन आपको मेंटेन करना चाहिए, आपको मॉर्निंग से रात तक आप किस टाइप का मेंटेन करते हैं। बहुत लोग हैं वेट लूज करना चाहती है, वेट लूज के लिए आपका जो डाइट प्रॉपरली होना चाहिए उससे आधा होता है, तो आपका फुलफिल ही होता नहीं है, आपका न्यूट्रन बैलेंस नहीं होता है। तो न्यूट्रन कब बैलेंस होगा? आप डाइट में बैलेंस फॉर्मूला में डाइट कंज्यूम करते हैं, तो बैलेंस फॉर्मूला में डाइट कंज्यूम नहीं करेंगे तो मैं जो अभी जो एसेंशियल न्यूट्रन का बारे में अभी शेयर की हूँ, जो आयरन चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, बायोटिन चाहिए, विटामिन ए, ये सब कहाँ से आएगा? तो जितना आप डाइट सफिशिएंट नहीं आप कंज्यूम करेंगे बैलेंस नहीं रहेगा, तो ये गलती पहला होता है, तो इसके लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो सेकंड होता है जो लोग हार्मोनल इंबैलेंस में है, तो इस टाइप में भी प्रॉब्लम हो सकता है, डिफरेंट कारण के लिए हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, तो ये सब कारण होता है, एनवायरमेंट कारण होता है, सन डैमेज से भी हो सकता है। तो आपका ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? न्यूट्रन फुलफिल करना चाहिए, उसके साथ साथ सन प्रोटेक्शन रहना चाहिए। आपको हेयर वॉश ठीक से करना जरूरी होता है, जो कंघी आप यूज करते हैं उसको डेली क्लीन करना जरूरी होता है। जो कंघी आप यूज करते भी है पहला क्या करना चाहिए? पहला कंघी करने से पहले वाटर से, पानी से थोड़ा सा धो लीजिए, उसके बाद कीजिए, क्योंकि जितना ब्रश ड्राई होगा, कंघी ड्राई होगा, तो हमारा जो स्कैल्प है ना ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी दे के धो के फिर से आप क्लीन करेंगे तो डैंड्रफ होने का चांसेस कम रहेगा, उसके साथ स्कैल्प का ऊपर भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद आती हूँ का जो डेली रूटीन, आप क्या शैम्पू करते हैं, क्या ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि हेयर का जो न्यूट्रिएंट होता है ऑयल से आती है, टोटल खाने से भी होता है, हेयर का जो खाना होता है वो है ऑयल, तो क्या ऑयल आप यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑयल है, आप क्या जो भी ऑयल आप यूज करते हैं ओनली वन टाइप ऑयल यूज कीजिए। आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो आप रेगुलरली कोकोनट ऑयल यूज कीजिए, खुद से सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, आज कस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, कल ऑलिव ऑयल, कल कोकोनट ऑयल, कल डिफरेंट डिफरेंट ऑयल आप यूज करते हैं, इसमें क्या होता है ना आपका हेयर है ना समझ नहीं पाती है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, तो इसीलिए वन टाइप्स ऑफ ऑयल आप हैबिट बना लीजिए। दूसरा शैम्पू भी सेम टाइप का, आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं वो भी टाइम कोशिश कीजिए वन टाइप शैम्पू यूज करने के लिए, और जो भी आप ब्रश करते हैं क्लीन करना जरूरी होता है, और डिफरेंट आप लोग हेयर स्टाइल करते हैं, जो हेयर स्टाइल आप लोग करते भी है तो इस हेयर स्टाइल में डिफ्यूज देते हैं बालों में, तो ये सब आपको बंद करना चाहिए, तो ये सब आपको मेंटेन कर सकते हैं, तो जो हेयर प्रॉब्लम है हेयर प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा जर्नी के साथ,
मेरा हेयर फॉल होता है, कब होता है, मैं कभी भी हिट यूज़ करती नहीं हूँ, डिफरेंट स्टाइल करती नहीं हूँ, उसके बाद भी हेयर फॉल होता है। होने के बाद मैं कोशिश की हूँ मेरा लाइफ स्टाइल चेंजेस करने के लिए। जब मैं लाइफ स्टाइल चेंजेस कर लिया, उसके बाद मेरा धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल भी कम होने लगा, उसके बाद ग्रोथ होने लगा। तो मैं ऐसे चेंजेस देखी हूँ, इसीलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये सब दिन ठीक नहीं जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, टेंशन भी रहता है, डिप्रेशन भी रहता है, काम का सिलसिले में भी केयर नहीं होता है, सब कुछ प्रेजेंट है सबका दिलों में। तो उसके बाद भी इसी तरह उसके एंड न्यूट्रिएंट भी डेफिशिएंसी होता है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक दिन दो दिन से होता नहीं है, अब रेगुलरली न्यूट्रिएंट खाना नहीं खा रही है प्रॉपरली, तो वहाँ पर आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से हो सकता है। तो इसीलिए हेयरफॉल, जो हेयरफॉल अभी हो रहा है, इसका रिजल्ट है बट स्टार्ट हो रहा है 1 month 2 months पहले से। आप क्या काम की है इसका रिजल्ट है हेयर फॉल, ये आपको पहले समझ लेना चाहिए। तो इसीलिए हेयर फॉल कम करने के लिए ये सब आपको टोटली खुद को मेंटेन करना चाहिए। मेरा कभी नींद ठीक से नहीं होता है, खाना प्रॉपरली नहीं ली हूँ, ऐसा कुछ रहता है। तो इस टाइप का ऐसा ऐसा रहते रहते वो तो एक डेफिशिएंसी होकर रह रहा है। दूसरा दिन मैं फुलफिल करे तो उसमें फिलअप होता नहीं है, इसको फिर से 1 week फिर से आप रिपीट करते हैं तो फुलफिल होता है। तो इसी हिसाब से प्रॉब्लम होता है। और एक प्रॉब्लम होता है डैंड्रफ होता है, जो पानी सब जगह में प्रॉब्लम होता है, पानी सबका सूटेबल नहीं होता है, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम पानी से भी होता है। मैं क्या करती थी, हर टाइम हेयर को स्ट्रेट रखती हूँ, कुछ भी टाइट करते नहीं हूँ, बाहर भी जा रही हूँ तो ऐसे स्ट्रेट रहता है। तो बाहर का जितना भी गंदगी है हेयर का अंदर जा रही है, तो यहाँ पे डैंड्रफ होता है। उसके बाद मैंने चेंजेस की हूँ रूटीन, चेंजेस करने के बाद मेरा जो डैंड्रफ है, डैंड्रफ भी कम होने लगा। उसके बाद प्रॉपरली शैम्पू एवं प्रॉपरली ऑयल यूज करने के बाद टोटल प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा। उसके बाद हेयर ग्रोथ हो रहा है। और न्यूट्रिएंट बहुत ही जरूरी होता है, ये न्यूट्रिएंट भी फुलफिल करना जरूरी होता है, डाइट पहला होता है। तो डाइट आप फुलफिल कीजिए, अंदर से साफ सफाई कर लीजिए, अंदर का टोटल बैलेंस रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम जब सीवियर नहीं हो रहा है, आप खुद से भी होममेड रेमेडी के साथ भी आप रिग्रोथ भी कर सकते हैं और हेयर फॉल भी दूर कर सकते हैं, वो आपका ऊपर टोटली डिपेंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप का वीडियो लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप लोग हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।